सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। चलो ट्राई करो और सॉल्व करो कि देखो कौन सा। ये आयरन रॉड है, ये मैग्नेटिज्म पार्ट टू में है। तो एक आयरन रॉड है जिसकी ससेप्टिबिलिटी दी हुई है यार। तो ससेप्टिबिलिटी क्या चीज होती है, ठीक है, वो सारी चीज हम तो थ्योरेटिकल में कभी डिस्कस करेंगे, पर अभी परमिएबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल का निकालना है। तो अब देखो ससेप्टिबिलिटी, इसको एक्स एम से ऐसे मैं डिनोट कर देता हूँ, और वो है 599। इतना ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है। अब हमें परमिएबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो अगर ससेप्टिबिलिटी से परमिएबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो वाली चीज़ मुझे निकालनी पड़ेगी। तो परमिएबिलिटी जो होती है, अगर मैं इस जो चीज़ निकालना है वो किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी जो म्यू होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम या फ्री स्पेस, ये वाली चीज़। तो ये जो है, ये तो चीज़ हमें म्यू तो निकालनी है, ये म्यू निकालना है। तो म्यू आर और ये म्यू नॉट हमें पहले से पता है कि म्यू नॉट हमें याद है, म्यू नॉट 4π×10⁻⁷ होता है। तो म्यू आर तो निकालना पड़ेगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी तो निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इस डेटा से हम निकाल लेते हैं, ससेप्टिबिलिटी से निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो होती है ससेप्टिबिलिटी प्लस वन के इक्वल होती है, मतलब 5999+1 ये 600 आ जाएगा। ये फार्मूला यार ये याद होना चाहिए, मुझे सपने नहीं आए थे, ठीक है। तो ये 600 ले जाके यहाँ पे रख दो। तो हमें इस वाले फार्मूले में रख दो। तो म्यू जो है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी कितना आ जाएगा, 600 और मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट 4π×10⁻¹। तो फाइनली मुझे मिलेगा 24π×10⁵, ठीक है। और हमें 0.1 डेसीमल तक लगाना है, 1 डेसीमल तक पाई रहने देना है, 0.1 डेसीमल तक देख रहे हो सोल्यूशन में। तो यहाँ हमें पाई लाना है, तो ये आ जाएगा 2.4π×10⁵, ये इसको 0.8 या इसको -4, ये वाली हमें सोल्यूशन मिल जाएगी। दैट इज 2×10⁴, दैट इज बी ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। चलो